हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास पे हम लोगों ने सीटेट के जो हमें टॉप 600 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, उसमें से 80 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे। ठीक है, तो आज हमें 81 से स्टार्ट करना है और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो सीटेट या फिर राजस्थान टीईटी से लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो सीटेट और राजस्थान टीईटी से मिलेंगे आपको। ओके, तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल और 81 नंबर आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया जा रहा है। क्या बोला गया? निम्न में से 7.1 × 3.85 का अपॉन 9.09 भी अपॉन में 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? आपसे अनुमान की बात की जा रही है। अच्छा, एक बात जरा बताएं, जब भी कभी भी आपसे अनुमान से रिलेटेड सवाल आए, अनुमान से गैस से रिलेटेड सवाल आए, अब यहाँ पे 7.1 है, आप 7.1 को अनुमान के तौर पे आप क्या बोल सकते हैं? सात। जैसे कि सपोज कर लो हमने ये बोला कि मेरे पास 9.2 सेंटीमीटर या फिर 9.2 मीटर की एक रस्सी थी। क्या चीज? 9.2 मीटर की रस्सी थी और उसे हमें 8.7 मीटर या फिर 8.8 मीटर इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन कराना था। तो अगर हम अनुमान के बेसिस पे अपना आंसर हिट करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? आप ये देखिए कि हमारा ये जो मान है वो नियर अबाउट किसके है, तो ये देखो 9.2 है, ये 9 से ऊपर है और 10 से नीचे है, लेकिन आप ये देखो कि किसके पास में, 9 के पास में या फिर 10 के पास में। तो जो 9.2 होगा वो 9 के पास में होगा और 8.8 जो होगा वो 8 से ऊपर है और 9 से छोटा है, तो 8.8 किसके पास होगा? 9 के पास होगा। आप अगर 9 और 9 का गुणा 81 करा 9 और 9 का गुणा करा दोगे तो फिर 81 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9.2 का गुणा जब हम 8.8 से करा रहे होंगे तो नियर अबाउट 81 के आसपास मान आएगा। किसके आसपास? 81 के आसपास आएगा। 81 से कुछ बड़ा या फिर 81 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ अनुमान लगाना होता है। इसी तरीके से आपके सामने चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखो भाई जरा, चार ऑप्शन आपके सामने क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो आपको इस तरीके से दिया कि 7×3/10 और दूसरा दिया गया 7×3/9, तीसरा दिया 7×9 4/9 और चौथा दिया 7×4/10। तो देखो 7.1 है, ये नियर अबाउट किसके हैं? 7 के हैं। किसके? 7 के। 3.85, अच्छा भाई 385 हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। किसके? 385 अगर मान ले तो 385 जो है वो 300 से बड़ा है, 400 से छोटा है, लेकिन 400 के पास में है ना, क्योंकि वहां से सिर्फ 15 कम है। तो कहने का मतलब 3.85 को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 4 के आसपास है। अब यहाँ पे बात आती है 9.09 को आप 909 बोल लो थोड़ी देर के लिए। तो 909 जो होता है वो 900 से बड़ा होता है, 1000 से छोटा होता है। तो 909 किसके पास आएगा? 900 के या फिर 1000 के? तो 900 के पास आएगा। तो आप 9.09 को यहाँ पे कितना लिख सकते हो भाई? 9 लिख सकते हो। तो देखो सी ऑप्शन जो आपके सामने दिया जा रहा है 7×4/9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन जो दिया यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल लेते हैं और शॉर्ट आउट करते हैं। हाँ देखो भाई, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में से किसकी लागत अधिक है? पहला ऑप्शन बोला गया 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले, 250 रुपए के एक पैकेट में, प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है। तो अगर हमें एक सपोज कर लो एक सेट हमें 250 में मिल रही है तो दो कितने में मिलेंगे? 500 में। लेकिन यहाँ पे किसी चीज का पैकेट है तो उसमें आपसे बात की जा रही, तो 250 रुपए का एक पैकेट मिल रहा था तो 200 पैकेट कितने मिलेंगे? जल्दी से भाई मल्टीप्लिकेशन, 25 का गुणा 2 में कराओगे कितना? 50। 2 0 यहाँ लगे, 1 0 यहाँ लगे, तो फिर टोटल कितने जीरो? 3 0, मतलब 50,000 रुपए। अब देखो दूसरे में क्या बोला है, 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो 250 रुपए के हिसाब से प्रत्येक दर्जन कितने? प्रत्येक दर्जन, तो एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु है, कितनी होती है? और एक सेकंड, और आपसे बोला है 250 रुपए प्रत्येक वस्तु, मतलब एक वस्तु 250 की है, तो पहले आप एक दर्जन की निकालो। ठीक है, मतलब 12 का आप गुणा कराओ
और इसमें बोला गया कि भाई 20 दर्जन लेने हैं, तो अगर 20 दर्जन है, अभी तो ये एक दर्जन का है, तो फिर हमें क्या करना होगा भाई, 20 का गुणा कराना होगा, तो 12 दूनी 24 और गुणे में कितना 25। अब देखो जरा यहाँ पे 250 है, हमने आपसे ये चीज बोल रखी थी कि आप हमसे सिर्फ और सिर्फ मैथ ही नहीं सीख रहे होंगे बल्कि मैथ को किस तरीके से करते हैं वो भी हमें सीखना है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि 2425 का हम मल्टीप्लीकेशन कराएं, तो मल्टीप्लीकेशन में हम नहीं जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम 250 को क्या लिख सकते हैं, 1000/4 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1000/4, 4 से आप जरा एलिमिनेट कर दो, कितने बार में 60 बार में, 60 का आपको 1000 में गुणा कराना है, तो फिर कितना हो जाएगा 60,000। तो एक बात बताओ, ये 60,000 रुपए ज्यादा है या फिर 50,000 रुपए ज्यादा है, 60,000 रुपए ज्यादा है। तो आपसे देखो क्या बोला गया था कि कौन सा किसकी लागत अधिक है, तो पहला ऑप्शन दिया था गणना नहीं की जा सकती, नहीं ऐसा तो नहीं, गणना तो की जा सकती। दूसरा ऑप्शन है कि केवल एक, तो पहला वाला तो भाई अधिक नहीं है ना, दूसरे में बोला गया था, तीसरे में बोला गया कि केवल दो, तो यही आंसर सही है, क्यों, क्योंकि 60,000 जो है वो 50,000 से ज्यादा है, बात समझ में आ गई, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया था एक और दो दोनों बराबर है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए आपके सामने अगला सवाल आया हुआ है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, मीडियन आपसे पूछी गई है। आप यहाँ पे माध्यिका को थोड़ी देर के लिए आप अभी औसत समझ सकते हैं, क्या औसत समझ सकते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि सभी को समान रूप से, मतलब सभी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर हम ये बोल दें कि मेरे पास 4 रुपए, मेरे भाई के पास 2 रुपए, तो फिर एवरेज कितने रुपए, 4 और 2 को आप दोनों को जोड़ोगे, 6 और 2 से भाग करा दो, कितना आ जाता है भाई, 3 आ जाता है। तो 3 क्या है, 3 बराबर बराबर है, मतलब ये कि जितने भी पैसे होंगे वो सभी के पास बराबर बराबर होने चाहिए, तो अगर 3 हम ले, 3 मेरा भाई ले, तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, 5 विषय थे, तो 5ों में कितना है, 75 75 अंक है, कितने है, 75 75 अंक है। तो आप एक बार बताओ, ये 5 तो आपस में बराबर है ना, तो इनकी जो माध्यिका होगी वो भी आपस में क्या होगी भाई, 75 ही होगी। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया 75, यही आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल में देखो क्या बोला गया, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, क्या चीज, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं किस चीज में, चलो भाई ऑप्शन पढ़ते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही है, जो ये खेल होते हैं और पहेलियां होते हैं वो कुछ ना कुछ माइंड की मेंटल एबिलिटी पर फर्क डालते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध स्थापित करने में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, गणित को आनंददायक बनाने में, हाँ बिल्कुल सही है, आप अगर पहेलियां खेलेंगे या फिर गणित के खेल खेलेंगे तो फिर आप एंजॉयमेंट भी करते रहेंगे और साथ ही साथ नॉलेज भी आपकी बढ़ती रहेगी। चौथा ऑप्शन दिया गया समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ए बी सी और डी चारों ऑप्शन सही हैं, तो सी ऑप्शन में देखो दिया है ए बी सी और डी, तो गणितीय खेलो पहेलियां मदद करते हैं किसके लिए, चारों जो चीजें दी हैं वो चारों चीजें सही है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वैसे आता ही होगा आप लोगों को। देखो अब दिया क्या गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई, तो देखो भाई अगला सवाल में क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था, ठीक है भाई, तो ये हमने बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी और इसमें एक वृत्त बना हुआ है, बोला है केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो हमने मान लिया कि एक ये कोई जीवा है, ठीक है, और आपसे जीवा की लंबाई, मतलब यही आपसे लंबाई पूछी गई है, और बोला है कि जो जीवा है वो केंद्र से कितने मीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो देखो भाई जो जीवा है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपने जब ये सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आपने ये चीजें सीखी थी क्या, ध्यान समझिएगा, जब भी कभी भी किसी वृत्त के किसी केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए, क्या चीज, अगर लंब डाला जाए, ध्यान रखिएगा जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई होती है वो परपेंडिकुलर जरूर बनाती है, तो मतलब उसे हम लंब ही बोलेंगे, तो 90 अंश का यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बोली गई है
केंद्र से लेकर के जीवा के बीच की लंबाई वो कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर, और ये देखो त्रिज्या पहले से 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। आपसे जीवा की लंबाई पूछी है, ठीक है? तो अब देखो जरा, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी क्या कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, तो ये 10 है, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 8। आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो, और वरना फिर हमने आपको मेंसुरेशन की जो क्लास फर्स्ट और सेकंड थी उसमें हमने आपको ट्रिपलेट का बहुत ही अच्छा यूज बताया हुआ है, ठीक है? वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक ही घंटे की क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसमें हमने ट्रिपलेट्स के जितने भी मोस्टली जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी आपको कराए, तो आप मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो देखो भाई, ये अगर 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 8 होगा, मतलब टोटल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। बात समझ में आ गई? चलो भाई, जब बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स आप लोग देखते रहिएगा कि कौन सा कितना हुआ है, ठीक है? क्योंकि नंबर्स लिखने की आदत नहीं है, नेक्स्ट लिखने की आदत है। कौन सा? एन। एन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। देखो भाई, अब अगला सवाल आपके सामने क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला गया, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया तर्क कौशल का विकास, दूसरा है गणितीय अवधारणाओं का विकास, और तीसरा है गणितीय भाषा का विकास, और चौथा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। देखो सवाल फिर से एक बार पढ़ना, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो उनके तर्क कौशल के विकास पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उनकी मेंटल एबिलिटी जैसे जैसे आप मैथ पढ़ाते रहेंगे वो चीज बढ़ती रहेगी, ठीक है? तर्क कौशल में विकास होगा, लेकिन आप उनके तर्क कौशल में विकास को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाते, ठीक है? मतलब आप उनको सिखाते चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा, और दूसरा जो बोलना गणितीय अवधारणाओं को समझना, ये समझाई जाती है चीजें, और गणितीय भाषा का विकास, तो मैथ में जो शब्द होते हैं क्रम विनिमय नियम वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों को आपको समझाना ही पड़ता है। तो तर्क कौशल के विकास को ध्यान में ना रखते हुए सारी चीजें आगे की जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है? अब देखो क्या बोला है अगले सवाल में। अगले सवाल में बोला गया कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो 3 किलोग्राम आपके पास चीनी है, कितनी है 3 किलोग्राम चीनी है, और मेरे पास आधा आधा किलो के पैकेट है, कितने किलोग्राम के, आधा किलोग्राम के पैकेट है। तो हमने आपसे ये चीज पूछी कि बताओ कितने पैकेट हमें पैक करने होंगे चीनी के। तो आप जानते हो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 2 पैकेट बनेंगे, 1 किलोग्राम में कितने, 2 पैकेट बनेंगे, तो 3 किलोग्राम में कितने, 6। मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने 3 में भाग करा दिया, किससे, 1/2 से, क्योंकि बटे में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो 3 × 2 से 6 आ जाना है। लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ और बोल रहा है 3/1/4, 3 से 1/4 को तो पहले फ्रैक्शन रूप में परिवर्तित कर लो, 4 × 12 = 13, मतलब कितना 13/4। तो 13/4 किलोग्राम चीनी थी और इसमें से हमें 1/16 किलोग्राम के पैकेट बनाने थे, तो आप 1/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, से आप क्या कर दे भाग करा दे, तो 4 से काटोगे 4 पर और 13 × 4 में करा लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन में क्या दिया है, 52 पहले में 64 गलत है, तीसरे में 48 गलत है, चौथे में 12 गलत है, और दूसरे में क्या था 52, यही आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा ये सभी सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, ठीक है? लेकिन इनमें से टफ लेकर के कुछ भी नहीं कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सीटेट में है वो इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ओके ना? देखो भाई, अगले सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा 11,111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 11, 11, 11, देखो रोमन नंबर में लिखा है, और फिर यहाँ पे देखो इसी तरीके से बी ऑप्शन में भी 11, 11, 11 दिया हुआ है, और सी ऑप्शन में 12,111 दिया हुआ है, चौथे में 11,111 इस तरीके से नंबर लिखा हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 11,111 या फिर 12,112
इस तरीके से कोई भी नंबर नहीं है, इस तरीके से कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो एग्जामिनर को ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ आपने पूछा है तो फिर इसके बारे में उल्टे सीधे तर्क भी आपने दे रखे हैं, ठीक है, वो बात अलग की है। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 11,000, 1,100, 11 कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप 11,000, 1,100, 11 लिखेंगे तो जरा एक बार फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,11,111 बन रहा है। अगर आप यहाँ पे एक एक कम कर दोगे, क्योंकि आपको लाख में नहीं चाहिए, हजार में चाहिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,111 बन रहा है, 11,111 बन रहा है, लेकिन 1,100 ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर हम करें क्या? जैसा कि एग्जामिनर चाहता है वैसे ही हमें करना होगा, क्योंकि 11,111 कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। 11,000 बनता ही नहीं, 10,000 से ऊपर जब भी जाते हैं तो फिर 1,00,000 बन जाता है, ठीक है। 10,000 से ऊपर जब भी आप जाएंगे तो फिर वो चीजें बदलने लगती हैं, ठीक है। अब देखो है क्या भाई, आप इस सवाल को कुछ इस तरीके से कर रहे हो, 11,000 को आप 11,000 लिख दो, 1,100 को आप 1,100 इस तरीके से लिख दो, और 11 को आप इस तरीके से लिख करके डायरेक्टली बस ऐड कर सकते हो। तो एक 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 और एक दो, तो 12,111, कितना? 12,111। तो 12,111 को 11,000, 1,100, 11 बोला गया है, ठीक है। ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का मन था इसलिए बनाया गया है। बात समझ में आ गई है ना? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 11,111 लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये जो 12,111 लिख दिया है ये जबरदस्ती का केस है, ठीक है। एग्जामिनर को कुछ नहीं मिला तो सोचा चलो बवाल ही एक बना देता है, तो उन्होंने बवाल बना दिया। और सीटेट में आखिरकार पूछा भी गया है, अभी शायद 2019 वाले में भी आया हुआ था, ठीक है, और 2016 में पूछा गया, तो कम से कम 2 बार तो आ ही चुका है। अगला सवाल देखो क्या बोला है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? 4 ऑप्शन दिए, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। बताइए, इस सवाल का आंसर आपको बताना है, ठीक है। हम आपको आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन हाँ आपके जब आंसर आ जाएंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर जितने लोग हमें आंसर देंगे, ठीक है, उनके कमेंट बॉक्स में, स्पेशली उनके कमेंट बॉक्स में आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने सही बताया तो ठीक, अगर गलत बताया तो फिर आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने आंसर क्या बताया, ठीक है। तो इसका हम अभी आंसर नहीं बताने जा रहे, ओके। उम्मीद है आप सभी आंसर सही देंगे, और आप सभी आंसर देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात L, B और H का रेशियो 6:5:4 दिया हुआ है, कितना? 6:5:4। बोला है अगर उसका संपूर्ण पृष्ठ 5,328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो फिर उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी। देखो भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ठीक है। पहला है 20, 22 और 23, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो भाई है क्या 6:5:5:4 के अनुपात में होनी चाहिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितने? 6:5:5:4 के अनुपात में। तो अगर पहला ऑप्शन 20, 22 और 23 हम लेते तो फिर ये तो नहीं होता, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, 38, 25, 23, तो ये भी नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि यहां पर तो संख्या कटती ही नहीं। तीसरा देखो क्या दिया है, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे क्या है, 6:6:36, 6:5:30, 6:24:24, तो अनुपात जो है वो 6:5:5:4 भुजाओं के बीच में है। अरे 14 ऑप्शन देखो, 22, 23, 21 दिया है, तो फिर यहाँ पे तो ये सरे से खारिज है, क्योंकि यहाँ पे संख्या कट ही नहीं सकती, मतलब यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो 22:23:21 का बनेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। एक तो ये केस हो गया कि हम लोगों ने ऑप्शन से ही कर लिया, एक तो ये केस क्या हो गया कि हम लोगों ने ऑप्शन से ही कर लिया, लेकिन बाय चांस अगर ऑप्शन अगर इस तरीके से ना दिए होते तो फिर हम इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करते। चलिए देखते हैं, आपसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6:5:5:4 के अनुपात में दिए गए हैं,
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप भुजाएं मान सकते हैं कि लंबाई 6x है, चौड़ाई 5x और ऊंचाई कितनी 4x, ठीक है। बोला गया है अगर उसका एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग x ना लेट करते लेकिन आपको कुछ अच्छी चीजें सिखानी है, इसलिए हमने x को भी लेट किया हुआ है, ठीक है। और जब आप इस सवाल को समझ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो फिर आप अपने तरफ से ही x को हटाना सीख जाओगे, ठीक है। अगर हमें अगर अकेले करना होता तो फिर हम x को ना मान करके डायरेक्टली सवाल ऐसे कर देते, ठीक है। मतलब जहां पे गलती होने की गुंजाइश होती है वहां पे हमसे ना होती। तो उम्मीद है कि अब आप आज सीख लेंगे और आज के बाद से आपसे भी इस सवाल पर कोई भी गलती नहीं होगी। चलो देखो भाई, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। तो चलो भाई इसी को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 × L, L मतलब 6x, B 5x + B 5x × H 4x + H 4x × L 6x, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? और 5328 शायद आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 5328 यही दिया हुआ। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो ये संपूर्ण पृष्ठ हमारे हिसाब से वो क्वेश्चन में बताएगा संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है, मतलब 5328 के। आप इसको ऐसे ही रखा रहने दे। चलो भाई कैलकुलेट कर ले। अच्छा, 2 से आप पहले इसमें डिवीजन करा दे, ठीक है। 2 से भाग कराएंगे, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 12, 1 × 2 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 64। जरा कैलकुलेशन को देख रहना, ठीक है, अगर गलत हो तो बता देना। 6 × 5 = 30 x² + 5 × 20 x² + 6 × 24 x², ठीक है। 30, 20, 50, 50 और 24 कितना? 74। तो फिर आपने क्या निकाला है यहाँ पे, 74x² = 2664। 74 को आप नीचे ले आए तो 2664 / में कितना, 74 = x². क्लियर? अब देखो जरा है क्या, ध्यान समझिएगा। अगर आपने x ना माना होता तो, अगर आपने x ना माना होता तो 30, 20, 24 = 74 क्या, 74 = इसके, तो 74 की 1 की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग 1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें इसको स्क्वायर रूट भी लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो वर्ग लगा हुआ है, x और x जो यहाँ पे आनुपातिक गुणांक थे उनका भी गुणा कराया गया है। बात समझ में आई है ना? तो इनका भी आपके साथ में मल्टीप्लीकेशन कराया जा रहा है, ओके। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। चलो भाई अब एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल करते हैं। 2 से काटो भाई, 37 बार। 2 से काटोगे कितने बार? 2, 1, 3, 3 और 2, ठीक है। अब देखो 37 से हमें भाई भाग कराना है, तो जो कराना है वो तो कराना ही पड़ेगा। 37, 1332, तो फिर कितने बार जाएगा? 4, 3, 4 बार जाएगा। 4 से करा लो, 4 × 7 = 28, हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, गलत, ज्यादा जा रहा था, ठीक है। 3 बार कराते हैं, 3 × 7 = 21 का 1, हासिल 2, 3 × 9 और 2 = 11। 111 कितना बचा? 9, 10, 19 और 3 = 22, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई ये भी कितना, 2 नीचे आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लीकेशन करा लो, 6 बार, 6 × 7 = 42 के 2, हासिल 4, 6 × 3 = 18, 18 और 4 = 22, कट रहा है, ठीक है। मतलब ये कितने बार गए? 36 बार। तो 37 से आप जब भाग कराएंगे तो 36 बार जाएगा, और x² यहाँ पे ये वर्ग के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6। 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 6। हमें लंबाई बतानी थी, लंबाई है 6x, तो 6, 6 × 6 = 36। चौड़ाई बतानी थी 5x, 5 × 6 = 30, 4x, 4 × 6 = 24। बात समझ में आ गई? तो 36, 30 और 24 यही हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीसरे में यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए कि इस सवाल को अभी तो हम लोगों ने इतने इस वे से किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन और नहीं था। लेकिन हाँ, बाय ऑप्शन जैसे हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते थे वो चीज हमने आपको समझा दी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अरे बोलो, आई है कि नहीं आई है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और इस तरीके के सवालों को हम लोग मोस्टली कैसे बाय ऑप्शन ही करते हैं।
जिस तरीके से आपके सामने अभी अभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया गया है। ओके, अब देखो भाई क्या बोला गया, एनसीएफ 2005 के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित के अध्यापन एवं शिक्षण की समस्या नहीं है? कौन सा गणित के शिक्षण अध्यापन एवं शिक्षण की समस्या नहीं है? देखो पहला क्या है, गणित से संबंधित डर और असफलता का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक तैयारी और समर्थन की कमी। तीसरा है, गणित एक कठिन और उबाऊ विषय। ऐसा तो नहीं है, ठीक है, गणित एक कठिन और उबाऊ विषय है ही नहीं, गणित एक बहुत ही रोमांचक विषय है, ठीक है, इसको पढ़ने से बहुत कुछ अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, मेरे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आगे, अगला सवाल है, अगले सवाल में बोला गया है, देखो क्या कह रहा है, 1 -1 + 1 - 1 + 1 - 1 का ये सम अंग संख्यक पदों तक योग क्या है? सम संख्यक पदों मतलब ये है कि आपको इतने 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 इस तरीके से, तो आप यहाँ पे 10 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हो, या फिर 12 का, या फिर 14 का, या फिर 16 का, या फिर 18 का, या फिर 8 का, जितने का भी निकालो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि भाई होना कितने के चाहिए, सम होने चाहिए, विषम नहीं होने चाहिए। 11 13 15 का मत निकालना। तो देखो पहले दो ये, फिर दो ये, दो दो चार पद, चार दो छह पद, अगर आपको 8 का निकालना होगा तो एक जोड़ोगे एक घटाओगे, तो देखो भाई एक और एक जीरो, एक और एक जीरो, एक और एक जीरो, एक और एक जीरो, तो आप जानते हो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, जीरो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे देखो ये बी ऑप्शन क्या दिया है, शून्य दिया है, यही आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अगर आपसे बाई चांस विषम के लिए बोलता तो विषम के लिए आपका फिर एक आंसर आ जाता, क्योंकि इसके आगे प्लस वन की संख्या होती तो इतना सब जीरो हो जाता, लेकिन आगे क्या होता, प्लस वन, तो वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या बोला गया, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो क्या बोला है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता, ऐसा नहीं है, बहुत आराम सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय नहीं, गणित बहुत ही सिंपल सा है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती, नहीं ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बहुत तेज होती। और चौथा ऑप्शन बोला गया, हर कोई गणित सीख सकता है, हाँ ये बिल्कुल सही, हर कोई गणित सीख सकता है, जो सीखना चाहेगा वो, ठीक है, अब जिसको तुम जबरदस्ती सिखाओगे वो थोड़ा सीख पाएगा, जब उसका मन ही ना हो और वो गणित में पढ़ना ही ना चाहता हो और आप उसको पढ़ाए पढ़े हो तो नहीं सीखेगा, ठीक है। पहले उसके मन की जिज्ञासा जाननी चाहिए कि भाई हम सीख भी सकते हैं, मतलब हम सीखना चाहते भी हैं कि नहीं, अगर वो सीखना चाहता है तो फिर बहुत अच्छा है, सिखाना शुरू कर दो। अगला सवाल देखो क्या बोला गया, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है। तो देखो 6.3, 1.6, 7.2, 4.4, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए। देखो भाई 200 ml की बाल्टी है हमारे पास और कितने की है, 300 ml की बाल्टी है, मतलब ये टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 500 ml की है। हमें क्या करना है, हमें 2000 ml भरना है, हमें कितना भरना है, 2000 ml हमें भरना है, ठीक है। अब जब ध्यान समझिएगा, बोला गया बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए वही लिख लेते हैं, 6.3, 1.6, 4.4 और 7.2। अब सुनो भाई, 6 कौन से, 200 वाले, 6 कौन से, 200 वाले, और 3 कौन से, 300 वाले। तो अगर 6 बर्तन आप 200 ml वाले रखोगे तो 6 दूनी 1200 ml और 300 वाले कितने, 3, तो 3 × 3 = 900, तो 1200 और 900 को जोड़ोगे तो फिर कितना मिलेगा, क्या 2000 मिलेगा, नहीं, यहां पे तो 2100 ml मिल रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या है, पहला ही ऑप्शन जो 6.3 दिया है यही गलत है, यही क्या है, गलत है। चलो हम दूसरे तीसरे चौथे को भी जरा चेक कर लेते हैं। अब दूसरा दिया गया था 1.6, तो 1 × 200 = 6 × 3 = 1800, तो 1800 200 मिलकर के देखो 2000 बना रहा है, ठीक है भाई, कंटेनर पूरा भर जाएगा। फिर देखो 4.4 है, 4 × 800 = 4 × 1200, 1200 800 मिलकर के 2000 बना रहा है, हाँ बना रहा है, ये भी सही। 7.2, 7 × 14
और 2 × 3 = 6, 1400 600 मिलकर के कितना बना रहा है, 2000 ml बना रहा है। मतलब ये है कि जो पहला वाला दिया गया 6.3, वही आंसर गलत है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? तो इस तरीके से देखो, ये जो सवाल है ये जनरली किसी बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शायद 2016 के सीटेट में ही पूछा गया हुआ है। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, संलग्न चित्र में अगला सवाल देखो क्या है। बोला संलग्न चित्र में कोण ए का मान क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या है। आपके सामने कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है, अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा फिगर देख लो जो हम आपके सामने बना रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो केंद्र ओ है, इसे आप परिवृत्त का केंद्र या फिर अंतर्वृत्त का केंद्र ऐसा कुछ ना समझे, ठीक है। ये 108 दिया गया, ये बोला गया एक्स है, ये भी बोला गया एक्स है, ये बोला गया वाई है, ये भी कितना है वाई है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरीके से है, कुछ चार ऑप्शन दिए, 54, 36, 72, 75, इन्हीं चारों में से कोई एक है, जिसको मना है उसको टिक कर दो, आगे बढ़ो, नहीं अभी के लिए इधर देख लो। अच्छा, आप अगर छोटे वाले त्रिभुज के लिए बात करें, ट्राइंगल बी ओ सी के लिए, तो आप जानते हो कि ट्राइंगल बी ओ सी के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होता है। तो अगर आप एंगल एक्स को, एंगल वाई को और एंगल 108 को अगर जोड़ लोगे तो फिर ये 180 अंश के बराबर होगा। हम अगर निकालना चाहें एक्स प्लस वाई का मान, तो 108 को अगर हम इधर भेज देंगे तो एक्स प्लस वाई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 108 उधर जाकर के घट जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, एक्स प्लस वाई का मान 72 आ गया, मतलब एक्स और वाई का जो मान है वो कितना है, 72 है। अच्छा, इधर भी तो x और इधर भी y है, मतलब इसका भी 72, तो ये वाला 72 और ये वाला भी मिलकर के कितना, 72, तो ये जो टोटल एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144। भाई ये वाला है 72 और ये वाला भी कितना, 72, तो ये जो b और c, एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना हो जाएगा, 144 के, क्योंकि एंगल x प्लस y, एंगल x प्लस y 2x प्लस 2y, ठीक है। तो फिर एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो गया, 144। हमें एंगल ए का मान बताना है, तो आप जानते हो बड़े वाले त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अगर हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान निकालें तो ये 180 अंश के बराबर होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 144 दिया है, एंगल ए का मान निकालना, 144 को उधर लेके जाओ, 36 डिग्री, आपका आंसर, बात खत्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में आपके सामने बी ऑप्शन देखो दिया गया है, क्या 36 अंश, तो यही आपका आंसर होगा। कितना दिया है, 36 अंश दिया है, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, चलो अगला दो। अगला बोला गया एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उससे क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने तुरंत जवाब दिया, क्या बोला कि लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर है। लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्यों? अगर आप आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे या फिर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तब आप लंबाई गुणे चौड़ाई बोल सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल को हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई बोलते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर बनते हैं, मतलब उसको भी लंबाई गुणे चौड़ाई कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात हो जाए तो फिर लंबाई गुणे चौड़ाई के साथ में हमें 1/2 भी लगाना होता है, तो आप बोलते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बोलते हो, तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा सही आंसर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ सही आंसर नहीं दिया। अब देखो सवाल में बोला गया क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या से कह सकते हैं। चलो देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में, नहीं ऐसा तो नहीं है भाई। अगर उससे क्षेत्रफल पूछा गया है, अगर उससे क्षेत्रफल पूछा जाता और उसने एल इंटू बी बोला है, क्या आधार गुणे ऊंचाई, अगर वो ये बोलता 2l प्लस बी मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर उसने ये बताया होता तब ये सही आंसर होता, ठीक है। मतलब ये सवाल अगर ये बन जाता कि एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने 2 × l प्लस बी आंसर दिया, तब के केस पे ये पहला वाला आंसर सही होता है। लेकिन अभी क्या, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बोला, तो फिर ये पहला वाला आंसर नहीं सही है। वो उसको क्षेत्रफल पता है कि आखिरकार होता क्या है, एल इंटू बी होता है, लेकिन हाँ उसकी गहराई नहीं पता है। तो देखो आगे क्या ऑप्शन में बोला गया, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, उसे जानकारी तो है, उसे जानकारी उसने तभी एल इंटू बी बोला। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। और देखो चौथा बोल रहा है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, नहीं बच्चा सही नहीं कह रहा,
ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, और अगर त्रिभुज वगैरह पे बात करें तो फिर कुछ ऐसा होगा। तो सी ऑप्शन जो बोला गया, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। हाँ, उसने जो आयत के क्षेत्रफल है उसी को सभी एरिया, मतलब जो सभी शेप्स हैं उनके एरिया को उसी के समरूप समझ लिया। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है ना? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई? तो चलो भाई अगला सवाल लेते हैं और समझते हैं क्या बोला गया। देखो, बोला गया बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जगह देखो 25,000 दिया है, दूसरी जगह देखो बीच में 39,000 दिया है, और एक जगह देखो दिया हुआ है 61,000, और बीच में कुछ बिंदु बने हुए, कहीं दो बने, कहीं तीन बने हुए, कहीं पांच छह बने हुए। ठीक है, तो हमें बात करनी है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। हमें क्या बात करनी है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो देखो भाई, सवाल आपके सामने नजर आ रहा होगा, उसके बावजूद हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। यहां पे देखो भाई 25,000 दिया हुआ है, उसके बाद फिर दो बिंदु दिए हैं, फिर ए बिंदु दिया है, फिर तीन बिंदु दिए हैं, और उसके बाद फिर एक और हॉल्ट है, इस पे 39,000 दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर एक दो तीन चार पांच छह बिंदु दिए गए हैं, उसके बाद फिर क्या है बी है, फिर तीन बिंदु दिए गए, तो पहला दूसरा और तीसरा, उसके बाद फिर क्या है 61,000 है। ध्यान रखिएगा ये भी एक तरह से बिंदु का काम करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। क्या चीज? बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब देखो जरा, हम पहले 25,000 और 39,000 के बीच में रिलेशन समझते हैं कि आखिरकार इनके बीच में संबंध है क्या। देखो यहां पे एक खाना, दूसरा खाना, तीन चार पांच छह और सात, हमारे हिसाब से यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सात खाने की है। कितने खाने हैं? सात खाने। 25,000 से 39,000 तक की हमें चलने के लिए हमें कितने हजार की जरूरत है? हमें 14,000 की जरूरत है। तो सात खाने बराबर है 14,000 के, तो फिर एक खाने बराबर किसका है? तो एक खाने बराबर 2,000 के। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। अच्छा जरा हम 39,000 और 61,000 के बीच में भी जरा चेक कर लेते हैं, वैसे होगा ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, कितने हैं टोटल? 11 खाने। और ये भी जरा देख लो कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 39,000 से 61,000 के बीच में 40-20 मतलब कितनी है? 22,000 की है। तो आप देख रहे हो 11 खाने बराबर 22,000 के, तो फिर एक खाने बराबर किसके? 2,000 के। तो एक खाने का मान कितना है? 2,000 का। तो हमें बताना है ए से लेकर के बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस अगर बतानी, तो हमें ए से लेकर बी के बीच में देखने कितने खाने पड़े हुए। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 खाने पड़ी है, 22,000 आपका आंसर है, बस बात खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि 11 खाने तो हम लोग चेक कर चुके थे ना। तो देखो भाई 22,000 किस में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया गया है आपका आंसर के लिए। 22,000 पहले ऑप्शन में ही दिया गया, ठीक है, 22,000 इकाइयां यूनिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। क्लियर है ना? अब देखो अगला सवाल क्या बोला गया। अगले सवाल में आपसे बोला गया हरीश ने 18 बज करके 40 मिनट पर अपनी यात्रा शुरू की और 22 बजकर 20 मिनट पर यात्रा समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, चार ऑप्शन, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 80 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, ये दिए गए। देखो भाई 18 बजे का मतलब क्या है? 6 बजकर के 40 मिनट बोल सकते हैं, और 22 का मतलब क्या होता है? 10 बजकर के 20 मिनट। ठीक है, 6:40 से हम पहले जाएंगे 7:40 में, 1 घंटा हमें मिल गया। छोटा सा सवाल है, छोटा टाइम है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ऐसे खेल ले रहे हैं। ठीक है, अगर 2-3 दिनों के बीच का गैप होता तो हम 24 घंटे या फिर 12 घंटे की हेल्प लेते। हाँ, 7:40 से फिर 8:40 जाने में हमें कितना? 1 घंटे का टाइम लगेगा। फिर 8:40 से 9:40 तक जाने के लिए भी हमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का टाइम लगेगा। फिर 9:40 से हमें 10:40 तक नहीं जाना है, 10:40 तक जाना है क्या? नहीं जाना, 10:20 तक जाना है। तो 9:40 मिनट से हमें जाना है 10:20 मिनट तक, कितना टाइम लगेगा?
तो 10 बजने में आपको देखो 20 मिनट यहां मिलेंगे और 20 मिनट इधर मिलेंगे, मतलब टोटल कितने 40 मिनट। तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर आपको कितना समय चाहिए? 3 घंटे और 40 मिनट चाहिए होंगे। कितना चाहिए? 3 घंटे 40 मिनट। मतलब ये है कि जो यात्रा तय करनी है उसमें 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन था 3 घंटे 20 मिनट, दूसरा है 3 घंटे 40 मिनट, तीसरा है 3 घंटे 80 मिनट, चौथा 4 घंटे 40 मिनट। तो इसमें देखो जो बी ऑप्शन दिया है 3 घंटे 40 मिनट, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है ना? चलो भाई, अब जब क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट सवाल को जरा देखते हैं क्या दिया गया है। अगले में बोला गया है कि अगर √3 -1, कितना √3 -1 अपॉन में √3 + 1 का मान a + b √3 के बराबर हो, तो फिर a तथा b का मान क्या होगा? तो फिर आपसे क्या पूछा गया है? a तथा b का मान क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलो जरा बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी आपके सामने ये करणी वगैरह लग जाए, शर्ट्स लग जाए, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आधार दिया गया मतलब जो हर दिया गया इसके आप संयुग्मी का गुणा करा दो। तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, आपको क्या करना है, इसी के संयुग्मी का गुणा कराना है। तो √3 + 1 का संयुग्मी कितना? √3 - 1, इसी का हमने गुणा करा दिया और इसी का हमने भाग कराना है। a + b / √3 को आप a + b / √3 को आप इसी तरीके से साथ में लिखते हो चले आए। चलो भाई जरा मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। √3 - 1 यहाँ पे भी है, √3 - 1 यहाँ पे भी है, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो फिर √3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये a + b, ये a - b है, तो a + b a - b मतलब a² - b² होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? ठीक है भाई, अब a - b का होल ऑफ स्क्वायर चलो ओपन करते हैं। तो a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, b के प्लेस पे 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन कराओगे वही रहना, तो फिर 2√3 अपॉन में कितना 2, 3 और 1 4, माइनस का 2√3 अपॉन में कितना है 2। देखो भाई यहाँ पे अगर हम 2 से भाग करा रहे हैं, 2 से भाग कराओगे तो 4b में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा, तो 2 से भाग कराओगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना √3 बचेगा। अच्छा आप जानते हो कि ये हमने आपसे बोला था कि a + b / √3 को इसी तरह से आप आगे इसके सामने लिखते हो चले आओ, तो a + b √3। तो अगर अब हम यहाँ पे तुलना करें तो फिर देखो a का मान कितना निकल के आ रहा है 2, a का मान कितना निकल गया 2, और b√3 देखो ध्यान से b√3 = माइनस का √3, तो √3 देखो √3 कट जाएगा, तो जो b का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। बी का मान कितना होगा? माइनस का 1 होगा। तो देखो कौन सा है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सी ऑप्शन दिया, 2, -1, कौन सा? 2, -1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान -1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपने समझ ली होगी, शायद 19 या 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है अभी, उसमें पेडोगॉजी के भी क्वेश्चन थे और मैथ के भी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से वही दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलते हैं, और आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।